कॉलेजेस और अकेडमीज के झुरमट में फहाशी का बाजार गर्म। कॉर्नर के नाम पर कैसे चल रहा है मकरू धंधा? इस जूस कॉर्नर के बारे में आपने पहले से सुन रखा था कुछ? नहीं, मैंने नहीं सुना था, पर पता था क्योंकि मेरी बाकी क्लास फेलोज भी जाती हैं वहाँ पे। तो जूस कॉर्नर में जाने वाली लड़की कैसे हुई बर्बाद? ऊपर रूम थे काफी सारे। आपका क्लास फेलो आपका वहाँ पे ले गया? जी वहाँ पे ले गया। तबीयत मेरी काफी खराब थी वो जूस पीने के बाद से। तो आपको तब महसूस होता है? जिस टाइम में मैं सोई थी, मतलब मुझे नहीं पता उस टाइम में क्या हुआ, पर इतना पता है कुछ गलत हो। जी मुझे कौन का खुफिया ऑपरेशन करेगा हर राज फाश। नौदिन, आज से 6 महीने पहले हमने इसी जगह पे खड़े होके अपने प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था। सवाल ये था कि आखिर अकेडमियों के झुरमट में जूस कॉर्नर क्यों बनाए जाते हैं। हमें कोई जवाब ना मिल सका और हमने अपने तमाम तर खदशात का इजहार भी किया था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और अब हम एक और सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह इन जूस कॉर्नर्स में लोगों की, लड़की हमारी बेटियों की, हवा की बेटियों की जिंदगियां लुट रही हैं। नहीं यकीन आता तो अपनी आंखों से देख लीजिए। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। हमने पहले भी दिखाया था कि लाहौर में जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलाया जा रहा है कौन सा मकरूह धंधा। आपको याद होगा टीम मुजरिम कौन जब लाहौर के जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले फहाशी के अड्डों को बेनकाब करने निकली थी तो कैसे पूरे लाहौर में खलबली मच गई थी। पुलिस इंतजामिया कैसे टीम मुजरिम कौन को ऐसे राज फाश करने से रोकने की कर रही थी हर मुमकिन कोशिश। कैसे SHO से लेकर SP और DIG ऑपरेशन समेत सब जूस कॉर्नर्स पर छापा मारने से कुतराने लगे थे। कैसे हमारे टीम मेंबर्स ने जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले मकरू धंधों की असलियत सबके सामने रखती थी और जिन खदशात की वजह से टीम मुजरिम कौन ने इन मकरू धंधों की निशानदही की थी, आज एक बार फिर उन खदशात को मिली है हवा। एक लड़की ने किया टीम मुजरिम कौन से राबिता। कैसे अकेडमी जाने वाली तालिबा को वरगलाया गया। जूस कॉर्नर की आड़ में कैसे तालिबा की जिंदगी कर दी गई बर्बाद। टीम मुजरिम कौन कैसे जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले मकरू धंधों को सामने लेकर आई। जूस कॉर्नर्स में कैबन और छोटे कमरे क्यों बनाए जाते हैं। कैसे जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले फहाशी के अड्डों से लेकर सरेआम जिस्म फरोशी तक मकरूह धंधों को टीम मुजरिम कौन ने किया बेनकाब। आज का प्रोग्राम वालदैन लाजमी देखें। नौजवान बच्चे कैसे हो रहे हैं बेराहरवी का शिकार मुजरिम कौन। नाज़रीन, जूस कॉर्नर्स के बारे में हमने आपको पहले भी आगाह किया, हमने इस पे पूरा एक शो किया था और बताया था कि इन जूस कॉर्नर्स में क्या हो रहा है। हमने कोशिश की पुलिस के आला अफसरान से बात कर सकें, हमने मुतल्लिका थाने में जाके जो SHO हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। शायद उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, उनकी नज़र में शायद ये जुर्म नहीं है। अगर जुर्म होता तो एक्शन ज़रूर लिया जाता, हमारे साथ चलते या जब हमने TV पे दिखाया तो उसके बाद ज़रूर एक्शन लिया जाता। उस वक्त अगर रोक दिया जाता, उस वक्त अगर इन जूस कॉर्नर्स को बंद कर दिया जाता तो शायद अब जो वहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ ना होता। अब क्या हो रहा है उसकी मैं आपको एक मिसाल देने जा रहा हूँ। मेरे साथ जो इस वक्त लड़की मौजूद है, इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और इसके साथ उस जूस कॉर्नर में क्या हुआ इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उन इलाकों में रहने वाले वालदैन जिनके बच्चे उस इलाके में पढ़ते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, तो बच्चे यकीनन वहाँ पर जाते हैं। हमने आपको पिछले शो में भी दिखाया, हमने आइडेंटिटी शो नहीं की थी, हमने उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के चेहरे नहीं दिखाए थे, लेकिन यकीनन वहाँ पे तालिबे इल्म जाते हैं और शायद वहाँ ये जूस कॉर्नर बनाने का मकसद ये है कि तालिबे इल्म चूँकि छोटी उम्र के होते हैं उन्हें कैटर किया जाए, उन्हें वर्गलाया जाए और इन जूस कॉर्नर्स में लाया जाए। यह भी एक तालिबे इल्म है। इसके साथ वहाँ पर क्या हुआ, कौन इसे लेके गया,
ये हम आपको दिखाएंगे। हम इस लड़की का ना तो नाम बता रहे हैं, ना हम इसकी शक्ल बताएंगे, इसकी शनाख्त हम आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने हमसे ये वादा लिया था कि मैं इस शर्त पे आपसे बात करूंगी कि अगर आप मेरी शनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा सच उगलने जा रही है। इसे हम बात शुरू करते हैं। मुझे अब बताओ, मैं जब ये कह रहा हूँ कि आपकी उम्र 18 साल है तो बिल्कुल ठीक है जी। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जी। कहाँ पे आप पढ़ती हैं? उधर जूस कॉर्नर के साथ ही एकेडमी है मेरी, उधर पढ़ती हूँ। वहाँ पे पढ़ती हैं आप जी? पढ़ती थी या अभी भी पढ़ती हैं? अभी नहीं पढ़ती। पहले अभी नहीं पढ़ती? नहीं। क्यों छोड़ दिया आपने? उधर एक मंथ पहले की बात है, मैं अपने क्लास फेलो के साथ, उसने मुझे बोला कि जूस पीने चलते हैं ना जूस कॉर्नर, तो उसके साथ मैं जूस कॉर्नर गई और वहाँ पे अजीब से, मतलब लोग थे, अजीब सा माहौल था, मैं वहाँ पे गई, अजीब लगा मुझे, तो मैंने उससे बोला। आप दिन के वक्त गई हैं शाम के वक्त? 4 बजे के करीब अपने एक दोस्त के साथ जूस पीने आप पहली दफा गई हैं वहाँ? जी, फर्स्ट टाइम गई। बज़ाहिर तो जूस कॉर्नर पर जाना कोई बुराई नहीं, मगर जूस कॉर्नर की आड़ में जो धंधा चलाया जा रहा है वो कर रहा है कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद। इस बदनसीब लड़की के साथ जूस कॉर्नर पर क्या हुआ, जरा गौर से सुनिए। इस जूस कॉर्नर के बारे में आपने पहले से सुन रखा था कुछ? कुछ नहीं, पता था? मैंने नहीं सुना था, पर पता था क्योंकि मेरी बाकी क्लास फेलोज भी जाती हैं वहाँ पे, तो इसी वजह से, पर मुझे पता नहीं था वहाँ पे होता क्या। इतना सुन रखा था कि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जाते हैं जूस वगैरह पीने के लिए जाते हैं। जब आप अंदर जाती हैं, 4 बजे का वक्त होता है जी, तो क्या देखती हैं, कहाँ पे जाके बैठती हैं? वहाँ पे कैबिन बने हुए थे और दरवाजा लगा हुआ था कैबिन में, कैबिन के अंदर बैठ के दरवाजा जी अंदर वाली साइड से और वहाँ चटखनी लगी हुई थी जी, लगी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे जाके इतना अजीब फील हुआ। पर फिर मैंने अपने क्लास फेलो को बोला भी कि माहौल उधर का सही नहीं लग रहा, तो उसने मुझे ये कहा कि कुछ नहीं होता, ठीक है सब। फिर उसने जूस मंगवाया, जूस पिया, और जूस पीने के बाद अजीब सा चक्कर आने लग गए थे मुझे, चक्कर आ रहे थे, तो फिर उसने मुझे बोला कि, मैंने उसे बोला कि चक्कर आ रहे हैं मुझे, उसने बोला कि तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो जूस पीने के बाद आपको चक्कर आने जी, जूस यानी उस जूस में कुछ था? था, तब भी चक्कर आ रहे थे क्योंकि जूस पिया उसके बाद ही ये सब हुआ, फिर वो मुझे ऊपर लेके गया। इस लड़की को क्या मालूम था कि उसके साथ आने वाला लड़का चल रहा है कोई चाल। बालाई मंजिल पर खुली फिजा नहीं बल्कि ऐसा घुटन ज़दा माहौल है जो इस लड़की की जिंदगी को कर गया बर्बाद। ऊपर रूम थे काफी सारे, कमरे थे ऊपर जी, पर किस तरह के कमरे थे, क्या था उस कमरे में? उन कमरों में मैट्रिस पड़ा था, जिसमें मैं गई थी उसमें मैट्रिस पड़ा हुआ था। मैट्रिस पड़ा हुआ था जी छत पे, और यानी आप जहाँ बैठी हुई थी उससे ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था जहाँ मैट्रिस पड़ा हुआ था। आपका क्लास फेलो आपका वहाँ पे ले गया जी? वहाँ पे ले गया। तबीयत मेरी काफी खराब थी वो जूस पीने के बाद से, ठीक है। तो उसके बाद आपको होश है? तब आपको होश थी जब उस कमरे में गई हैं, तब तक तो आप बता रही हैं कि आपको होश थी? नहीं, आपको उसके बाद सब याद है? नहीं याद, उसके बाद कुछ याद नहीं, याद नहीं है, चक्कर आ रहे थे और नींद आ रही थी मुझे। क्या उस कमरे में जाके आपको उसने वहाँ पे लटा दिया आपको जी, क्या याद क्या है? नहीं, कहां तक उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद, सिर्फ रूम में जाने तक का याद है और धुंधला धुंधला सा सारा कुछ याद है, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिस पड़ा हुआ था। तो आपका जो दोस्त था वो आपको अकेला लेके गया या जूस कॉर्नर में से कुछ साथ था जिसने गाइड किया या जो लेके गया? एक लड़के ने उसे गाइड किया था, वो ऊपर तक साथ गया जी, साथ गया था। याद है ये दोनों आपस में क्या बातें कह रहे थे, आपका दोस्त जो आपका क्लास फेलो था और वो जो लड़का जूस कॉर्नर वाला, कुछ याद है? रूम का पूछ रहा था उससे और वो रूम का बता रहा था जी, और उस कमरे में भी अंदर से जाके आप रूम का पैसों की बात हो रही थी उनमें, पैसों की बात हो रही थी जी, इतना मुझे याद है। याद है कुछ क्या पैसों की बात हो रही थी, कितने पैसों की बात हो रही थी? पैसे शायद जब कैबिन में बैठे हुए थे तब उसने 700 की बात की थी और रूम के लिए उसने ज्यादा पैसे मांगे थे, इतना 700 ज्यादा पैसे मांगे थे जी। तो रूम में जाने के बाद तब का मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ, सो गई थी मैं। और आप सो गई थी वहाँ पे जी? और उसके बाद कब आँख नहीं खुलती पता है? मुझे 2 घंटे बाद आँख खुली थी मेरी। आप वहीं पे मौजूद होती? वहीं पे थी। आपका क्लास फेलो भी वहीं पे मौजूद होता है? वो वहाँ पे ही था। जब आप उठती हैं तो उस वक्त आपकी तबीयत ठीक थी? नहीं सर, पहले से बेहतर महसूस कर रही थी पर होश में थी, पहले होश में आ गई थी जी।
फिर क्या किया वहाँ से चले गए कि वहाँ पर बैठे और उसके बाद वहाँ से चले गए थे। मैं अपने घर गई पर मुझे ये फील हुआ कि जो भी हुआ मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब आप जब घर जाती हैं तो आपको तब महसूस होता है कि आपके साथ, मतलब मुझे नहीं पता उस टाइम में क्या हुआ पर इतना पता है कुछ गलत हुआ। हमें पूरा यकीन था कि ये लड़की सच बोल रही है क्योंकि ऐसी ही तल्ख हकीकत हम पहले भी कर चुके थे बेनकाब। मगर हमें पुलिस अफसर का वो वादा भी याद आ रहा था कि जब उसने कहा था कि शाम तक ये जूस कॉर्नर और फहाशी के अड्डे खो जाएंगे खत्म। पुलिस का ही काम है ना चेक करना, यानी किसी कारोबार की आड़ में कोई और काम हो रहा है तो उसे भी चेक करना पुलिस का काम है। सर लोग पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, लोगों का ईमान ही खत्म हो गया है। हम तो जितना भी दिन रात लोगों के लिए करते हैं, साहब इसीलिए सरकार ने आपको अफसर लगाया हुआ है। आपका काम है लोगों का जो ईमान खराब हो रहा है बिगड़ा है उसे चेक करना, देखना अगर कोई गलत काम हो रहा है, कानून के खिलाफ काम हो रहा है उसे देखना आपका काम है। आपकी वर्दी यही तकाजा करती है सर। आपने नोटिस में लाया तो हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मुझे हकीकतें नहीं पता था, मुझे पता होता तो जरूर मैं ये आपको नहीं पता था। ये अजान मिल रही है मुझे बिल्कुल नहीं पता। कार्रवाई अब होगी। हाँ इंशाल्लाह ताला। यानी वहाँ पे अगर केबन्स हैं, कुंडियाँ लगी हुई हैं, ऊपर कमरा है, वो आपसे कहेंगे, वो आपसे कहेंगे केबन शेबन भी हम खत्म कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। आप वो आपसे ये कहेंगे कौन कौन सा जूस, आपसे एक जमान जूस का ऑनर है उसके साथ ही दूसरा बिल्कुल, वो आपसे कहेंगे की हम रहने के लिए ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फैमिली के लिए सबूत हमारे पास मौजूद है, चले शाम को हम चेक करेंगे जी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। काश पुलिस अफसर ने अपने वादे का पास रखा होता तो आज ये नौबत ना आती। जूस कॉर्नर की आड़ में चलने वाले फहाशी के अड्डों से लेकर सड़क किनारे जिस्म फरोशी के मकरूह धंधों तक मामला ना पहुंचता। हम दिखाएंगे हर मकरूह चेहरा। अलमिया ये है कि हम तो पहले ही आगाह कर चुके थे इस सारी सूरतेहाल से पुलिस अफसरान को, शर्मनाक धंधों की कर चुके थे निशानदही। सितम जरीफी ये है कि मकरूह धंधे खत्म होने की बजाय बढ़ते ही चले गए। तभी तो एक तालिबा पहुंची अपनी फरियाद लेकर टीम मुजरिम कौन के पास। घर जाके आपको ये एहसास हुआ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने अपने दोस्त को फोन किया, पूछा उससे? नहीं, वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद उसने कॉल उठाना बंद कर दी, फिर आपका कॉल उठाना बंद कर दिया, मजीद पक्का हो गया जी। और मैंने घर में इस बारे में किसी से बात नहीं की। अगले ही दिन मैं एकेडमी गई हूँ तो उसने एकेडमी में भी मुझसे बात नहीं की, और उसके जो बाकी दोस्त थे वो मजाक उड़ा रहे थे मुझे देख के। आपको देख के मजाक उड़ा रहे जी? मजाक सब उड़ा, फिक्र कह रहे थे, आप हंस रहे थे? हंस रहे थे, हंस रहे थे आपको देख जी। इसी वजह से फिर मुझे यकीन हुआ कि वाकई कुछ गलत हुआ। फिर उसके बाद मैंने एकेडमी भी छोड़ दी, नहीं गई मैं, और वो भी अब बात नहीं करता मुझसे। ये सब मैंने घर में किसी यानी उसने आपको जूस के बहाने वहाँ पे बुलाया जी, आपको आप बकौल आपकी कि जूस में कुछ मिलाया, आपकी तबीयत खराब होना शुरू होगी, आप होश खोने लगी, आपको ऊपर लेके गया जी, जहाँ मैट्रेस था, कमरा था, वहाँ आपके साथ कुछ गलत किया जी। उसके बाद आपको आप वापस घर आती हैं, आपको बाद में एहसास होता है और अब ये सारा शक आपके जहन में आ रहा होता है, और अगले दिन जब आप जाती हैं तो वो बात भी नहीं करता और दोस्त उसके हंस रहे होते हैं देख के, फिर आपका शक पक्का हो गया जी। और आपने किसी शक से बात नहीं, अब तो मुझे यकीन है कि सच में गलत हुआ। गलत हुआ जी। और इसी वजह से कभी उसने आपसे बात नहीं की? नहीं, उसने बात नहीं की। अकेडमी आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दी, आपके इम्तिहान आपके सर पे थे, आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ हो चुका था जी। ओह खुदाया, हमने सोचा भी ना था कि ये शर्मनाक सच्चाई इस तरह हमारे सामने आश्कार होगी, लेकिन हमारे खदशात जरूर थे कि कहीं ये जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले फहाशी के अड्डे किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर दें। तभी तो हमने बरवक्त किया था पुलिस को आगाह। हमें नहीं मालूम था कि पुलिस की कोताही इस तरह से सामने आएगी, लड़कियों का मुस्तकबिल खराब होता चला जाएगा, मगर हुक्काम को कोई परवाह ना होगी। हम तो जुर्म की निशानदही कर सकते हैं, जुर्म को रोकना तो पुलिस का काम है, और हमने पहले भी किया था। जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलने वाले इस घनाव ने धंधे से आप सबको आगाह। मैंने कुछ एक दो मंथ पहले आपका शो देखा था तो उधर से आपका नंबर भी लिया, इसी वजह से मैं आपके पास आई। शो कौन सा देखा था आपने?
शो देखा था, जूस कॉर्नर वाला भी देखा था आपका, मैंने वो भी देखा था आपने जी। वहाँ से ख्याल आया कि मैं इनसे रابطہ करूं। आपको पता होना चाहिए। आपने घर में बात नहीं की, आप किसी दोस्त से बात नहीं की, ना बहन से, ना माँ से, ना पुलिस के पास गई, तो मीडिया पे आपको इतना एतमाद है कि आपने सोचा मैं फ़ोन करूँ, आपने फिर हमसे रابطہ भी किया जी, तो आपका बाकी और किसी पे कोई एतमाद नहीं? नहीं, क्योंकि पुलिस में तो कंप्लेन करने से घर भी पता चलता। पुलिस के पास जाती हैं, अभी तुम आपका चेहरा नहीं दिखा रहे जी, अभी किसी को नहीं पता आप कौन है। पुलिस के पास जाती हैं, जाहिर चेहरा भी दिखाना पड़ना था, पुलिस केस बनता, घर भी पता चलना था, इसी वजह से मैं आपके पास, आपको अदालत भी जाना पड़ना था, इसलिए आपने सोचा कि आप अपनी इज्जत, जो कि वो आपका क्लास फेलो पहले ही ख़राब कर चुका है, मज़ीद उसे ख़राब ना किया जाए जी, इज्जत बचाने के लिए आपने पुलिस के पास अपने गई। नहीं, आपको लगता है कि आपको इंसाफ लेना चाहिए? आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़े हैं, अभी आपका मुस्तकबिल है, आपको आगे आना चाहिए। चाहिए, पर ये बात भी तो है, मेरी लाइफ ख़राब हुई है, तो बाकी जो वहाँ पे लड़कियों की जो उधर एकेडमी में पढ़ती हैं उनकी लाइफ ख़राब ना हो जैसे मेरी हुई है। मतलब वही लड़का किसी और लड़की को ले के जाए और वही सब करे जैसे मेरे साथ किया, ये नहीं चाहती मैं, तो उसे बंद करवाया जाए। वो लड़का भी तो लेके जा सकता है, और दूसरे जो लड़के हैं वो भी तो बाकी भी जाते हैं, काफी लोग, मैं खुद जाती हूं एकेडमी में, काफी लड़कियां जाती हैं, लड़के भी इन्हीं केबन्स में, इन्हीं जूस कॉर्नर्स उधर जाती हैं। मैंने आपको बताया, मैंने सुना हुआ था उस जूस कॉर्नर का, पर जाके पता चला, सुन रखा था क्या रेप्यूट है उसकी, जूस मिलता है वहाँ पे, जूस वगैरह पीने जाते हैं, पर जब मैं गई हूँ तब मुझे पता चला उधर, उससे पहले आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ होता है, केबन्स बने हुए हैं अंदर कमरे, तो मैं कभी ना जाती उधर। लड़कियों को पता है कि नहीं पता? ये लड़कियों को पता है कि यहाँ ये सब कुछ पता होगा, तब भी वो जाती हैं, एक बार नहीं काफी बार गई हैं, बार जाती हैं जी, अभी भी जाते हैं, कोई पूछता नहीं है? नहीं, वहाँ जब आप गई हैं कोई डर खौफ आपके दोस्त को पता था ये सब कुछ है, उसे तो पता ही होगा गालिबा, वहाँ कोई पुलिस वाला आपने देखा हो या कोई डर खौफ नहीं आया आपके दोस्त के दिल में भी कि ये नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा कुछ सरेआम ही हो रहा है, सरेआम हो रहा है सब कुछ, पुलिस नाम की कोई चीज थी नहीं, और जो कमरे देते हैं केबन देते हैं उनके भी दिल में कोई डर खौफ नहीं है? नहीं, सरेआम लेके जाते हैं जी। किस तरह से अब आप इंसाफ लेना चाह रही? आपने ये तो बड़ा अच्छा आपका कदम उठाया आपने कि आप सामने आई हैं, आपने आके बात की है, लेकिन अब क्या चाहती हैं आप, किस तरह से आप अपनी ज़ात के लिए इंसाफ चाहती हैं या दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाना चाह रही हैं, दूसरी लड़कियों की ज़िंदगियाँ, उनका मुस्तकबिल बचाना चाह रही हैं, इसलिए आप आवाज़ उठा रही हैं? दूसरी लड़कियों के लिए, क्योंकि मुझे अगर इंसाफ मिलता है तो वो तो घर में सब सबको पता चलेगा, तो इसी वजह से मैं बाकी लड़कियों के लिए आई हूँ। हमें यकीन था कि इन जूस कॉर्नर्स पर ऐसा ही घनावना धंधा आज भी चल रहा होगा, और इस मजबूर लड़की की बात सुनकर टीम मुजिम कौन ने एक बार फिर जूस कॉर्नर में होने वाली फहाशी को बेनकाब करने का किया फैसला। तभी तो टीम मुजिम कौन ने अपने दो टीम मेंबर्स, एक लड़का और एक लड़की को किया तैयार, ताकि हकायक को सामने लाया जा सके। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का और एक लड़की मोटर बाइक पर जा रहे हैं, ये लड़का और लड़की दरअसल टीम मुजिम कौन के मेंबर्स हैं। ये देखिए, ये लाहौर की मारूफ शाहरा के किनारे उस्मान जूस कॉर्नर नामी एक जूस कॉर्नर है। बजाहिर ये जूस कॉर्नर नजर आ रहा है, बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सी मेज लगे हुए हैं, ऐसा ही मालूम होता है जैसे ये एक आम सी दुकान है, मगर हकीकत कुछ और है। ये देखिए, वीडियो में नजर आ रहा है हमारे टीम मेंबर्स बाइक उस जगह पहुंच गए हैं। यही वो पॉइंट था जिसकी निशानदही हमसे राब्ता करने वाली उस लड़की ने की थी। आप देख सकते हैं, दुकानदार दुकान के बाहर कुर्सी पर ग्राहकों के इंतजार में बैठा है, सब मामूल के मुताबिक है। इसी दौरान हमारे टीम मेंबर्स भी इस दुकानदार के पास ग्राहक बनकर उसी जूस कॉर्नर पर पहुंच गए। ग्राहकों को देख कर दुकानदार कुर्सी से उठ गया और उसने इशारा किया कि फैमिली केबन्स इस तरफ हैं। ये देखें, इस फ्लेक्स पर भी साफ नजर आ रहा है कि फैमिली के लिए
लिए अलहदा इंतजाम है। हमारे टीम के लड़का और लड़की इस जूस कॉर्नर में दाखिल होते हैं, पीछे दुकानदार भी दुकान में दाखिल हो रहा है। ये सब मामूल की कार्रवाई लग रही है, मगर किसी को क्या मालूम कि इस जूस कॉर्नर के अंदर क्या मकरू धंधा चल रहा है। अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे, मगर पहले जूस कॉर्नर पर मौजूद काउंटर की सूरत हाल तो देखिए। जूस की इस दुकान के काउंटर के दोनों जानेब फलों की टोकरियां हैं, मगर एक जानेब की टोकरियों में फल चंद एक ही हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, जबकि साफ साफ देखा जा सकता है कि दूसरी जानेब की फलों की टोकरियां मुकम्मल खाली हैं। गोया यूं भी कहा जा सकता है कि फल मौजूद ही नहीं, और जब फल ही नहीं तो फिर ये जूस कॉर्नर कैसा हुआ। हर राज से उठाएंगे पर्दा। ये देखें, हमारे टीम मेंबर जूस कॉर्नर के अंदर जा रहे हैं। ये अंदर का माहौल देखिए, सामने केबन बने नजर आ रहे हैं और सामने एक नौजवान बैठा हुआ है। ये देखें, हमारे टीम मेंबर्स ने पैसे देते हुए इसको जूस लाने का ऑर्डर दिया, वो नौजवान चला गया और हमारे टीम मेंबर्स एक खाली केबन में बैठ गए और आम ग्राहकों की तरह जूस का इंतजार करने लगे। इसी दौरान हालात चेक करने के लिए केबन को चटखनी लगा दी गई। अब यहाँ एक लड़का और एक लड़की बंद केबन में कुछ भी करें, कोई पूछने वाला नहीं। थोड़ी ही देर बाद दुकान का मुलाजिम ऑर्डर लेकर पहुंच गया। हमारे टीम मेंबर ने दुकान के मुलाजिम से पूछा, क्या यहाँ कोई खुली जगह नहीं? जरा गौर से सुनिए टीम मेंबर और दुकान के मुलाजिम की गुफ्तगु। सुनी आपने ये गुफ्तगू, कमरे भी हैं दस्तयाब। अब हमारा टीम मेंबर कैबिन से निकलकर काउंटर तक गया। ये देखिए, सामने से दुकान का मालिक काउंटर के पास आ रहा है। हमारा टीम मेंबर दूसरे ग्राहकों की तरह दुकान के मालिक से मिलकर भावताव करने की कोशिश करने लगा। जरा गौर से सुनिए दुकानदार और हमारे टीम मेंबर के दरमियान हुई ये गुफ्तगु। किन्ने दे बेचे? 1500। रेट कोई डिस्काउंट कर लो यार। कमरे जाना किन्ने दे? अद्धा को घंटा। हज़ार रुपया आया मेरे को। यार इस तरह ना कर, अद्धे घंटे वास्ते मांग रहे। कितने का कमरा? ऊपर ही एसी वाला। नहीं बताओ, साफ सुथरा है ना? मैट्रेस है। मैट्रेस है, साफ सुथरा है कि नहीं चेक कर लो पहले। तो कोई टेंशन टूंशन तो नहीं है? नहीं यार, स्टूडेंट बंदा मरवा है ना। भाईजान मैं तो थले बैठा। तुसी मालक हो ना? आओ, मैं कहा वो सर सेलमैन वगैरह भी होंगे ने, वो आप भी। भाईजान टेंशन नहीं, मुंडे ने मैनू कहा तो बुलाया कि भाई जी गल है। दिखा दो कमरा। ओ हेलो, कमरा दिखा दिया। पंद्रह सौ में दस्तयाब है कमरा, और जो केबन था उसकी कीमत थी 700 रुपए। यानी 1500 में बगैर शनाख्त के दस्तयाब हैं कमरे। इन कमरों में होती हैं लड़कियों की इज्जतें पामाल, और तो और यही कमरे हो सकते हैं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। जरा देखते जाएं, अभी तो कई राज होना है बेनकाब।
इन जूस कॉर्नर्स में गाहकों को भी है मालूम कि यहाँ हैं दस्तयाब कमरे, तभी तो गाहक पर्दा उठाते हैं और बालाई मंजिल की जानिब चल देते हैं। ये देखिए, ये एक और जोड़ा दुकान में दाखिल होता है। ये सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि ऐसे जोड़े इन जूस कॉर्नर्स पर नजर आते ही रहते हैं। हमारे देखते ही देखते एक और जोड़ा भी वहाँ आन पहुँचा। ये देखिए, ये लड़का मुड़कर देखता है और अपनी साथी लड़की के साथ बालाई मंजिल का करता है रुख। इसी दौरान हमें भी दुकानदार के कहने पर दुकान का मुलाजिम बालाई मंजिल का कमरा दिखाने के लिए ले गया। इस दौरान हमारे टीम मेंबर की मुलाजिम से जो गुफ्तगू हुई, जरा वो भी सुनिए और कमरे का मुशाहिदा भी कीजिए। उस्ताद जी, इतने कोई 11 बिलियन नहीं लेना होगा तो ले आ सकते हैं? कोई टेंशन टूंशन तो नहीं होंगी इतने? खिड़की खोल सकती? हाँ नहीं खोल। खिड़की खोल दो। अच्छा, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इसके बाद अगले मनाजिर आपको चौंका देंगे। कैसे जूस कॉर्नर्स की आड़ में चलाए जा रहे हैं फहाशी के अड्डे, कैसे लाहौर की सड़कों पर हो रहा है जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा। हर राज होगा बेनकाब। हमारा टीम मेंबर नीचे आया ताकि हमारी दूसरी मेंबर को भी ऊपर ले जा सके और दिखा सके आपको। दोनों टीम मेंबर्स अब बालाई मंजिल की जानिब जा रहे हैं। ये वही कमरे थे जिनकी निशानदही हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी की और अब इस मुतासरा लड़की ने भी इन्हीं कमरों की निशानदही की थी, जिसकी तस्दीक के लिए टीम मुजरिम कौन पहुंची थी इस जूस कॉर्नर पर। दर हकीकत ये कमरे बनाए ही इसी मकसद के लिए गए हैं, छोटे से सिंगल बेड के मैट्रेस और एक पंखे और लाइट के साथ। इन छोटे छोटे कमरों में नौजवान लड़के लड़कियां क्या करते होंगे बयान करना भी दुश्वार है। ये देखें, हमारा टीम मेंबर इस कमरे की चटखनी लगा रहा है और अब हमारे टीम मेंबर्स लड़की और लड़का यहां जितना मर्जी वक्त गुजार सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। आपको याद होगा इस मुतासरा लड़की ने भी यही बताया था कि अंदर मैट्रेस था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। ऊपर रूम थे काफी सारे, कमरे थे ऊपर जी। पर किस तरह के कमरे थे, क्या था उस कमरे में? उन कमरों में मैट्रेस पड़ा था, जिसमें मैं गई थी उसमें मैट्रेस पड़ा हुआ था। मैट्रेस पड़ा हुआ था जी छत पे, और यानी आप जहाँ बैठी हुई थी उससे ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था जहाँ मैट्रेस पड़ा हुआ था। आपका क्लास फेलो आपका वहाँ पे ले गया जी, वहाँ पे ले गया। यानी यही कमरे थे जहां लड़के न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे। जहां ये कमरे फहाशी के अड्डे हैं, वहीं ये कमरे हो सकते हैं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। पुलिस और इंतजामिया न जाने कब तक लापरवाही का मुजाहरा करती रहेगी। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ वक्त इस कमरे में गुजारने के बाद हमारे टीम मेंबर्स इस जूस कॉर्नर से बाहर की जानिब चल पड़े। इसी दौरान हमारे टीम मेंबर्स ने दुकानदार से गुफ्तगू की। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे पास एसी वाला
एसी वाला भी रूम में चाहिए। एसी वाला रूम की वो आपके लिए 1200 वैसे 1500 में ठीक है कि जगह यार पहले तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लगा मकान ही काम दस रूम मेरे को एक ही है। अच्छा है कार्ड तो थोड़ा नंबर है। हाँ जी आम तो पहले ना मैंने कॉल कर देना कि भाई मैं आना आ। अच्छा ठीक है अपना नंबर लिख के मुझे मैसेज कर। मैं तुम्हें मैसेज कर देना। नाम लिख के ना मैसेज कर देना मैं नंबर सेव कर लाँगा। आठ तो पहले कॉल कर लूँगा तो ओके हो जाएगा। होर कोई यार दोस्त भी होते वास्ते भी आई रेट कर लाँगे। जी हाँ यहाँ डिस्काउंट भी दिया जाता है और विजिटिंग कार्ड्स भी पकड़ाया जाता है ताकि यहाँ लड़के मुस्तकिल क्लाइंट बन जाएं और करते रहें लड़कियों की जिंदगियां पामाल। गोया दुकानदारी नहीं ये दलाली है। अभी कई राज सामने लाने बाकी हैं। आपने तालिबा की बात भी सुनी और टीम मुजरिम कौन ने सारे मामले की छानबीन भी की। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि अकेडमीज और कॉलेजेस के झुरमट में बनने वाले इन जूस कॉर्नर से चंद कदम के फासले पर शुरू हो चुका है एक और मकरूह धंधा। जी हाँ सरेआम जिस्म फरोशी का धंधा। नजर आ रहा है कि इस चौक पर पुलिस भी गश्त कर रही है। रक्षों की भी भरमार है। खवातीन और कम से लड़कियां भी खड़ी नजर आ रही हैं। बजाहिर यूं महसूस होता है जैसे बस स्टॉप हो मगर हकीकत कुछ और ही है। हमारे टीम मेंबर्स की गुफ्तगु सुनिए। ये खवातीन कैसे नौजवानों को कर रही हैं बुराई की जानिब माइल। यहाँ 700 से 1200 रुपए तक में जिस्म फरोशी हो रही है। ये खवातीन जिस्म फरोशी के लिए लड़कियों और जगह की फराहमी भी करती हैं और ये खुद भी मुलव्विस हैं जिस्म फरोशी में। ये सिर्फ एक खातून नहीं यहाँ तो लड़कियाँ और खवातीन आती ही इसी मकरूह धंधे के लिए हैं। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ।
ये लड़कियां कहीं भी जाने को तैयार हैं, पुलिस के साथ भी इनके मामला तय हैं, तभी तो यहां आने वाली खवातीन को कोई रोक टोक नहीं। ऐसे में नौजवान नस्ल बेरहरवी का शिकार तो होगी, लड़कियों की इज्जतें पामाल भी होंगी। ऐसे में किसको कसूरवार ठहराएं, किसकी कोताही कहें इसे, अब नाज़रीन आप खुद फैसला कीजिए इस सारी सूरत हाल का है मुजरिम कौन। नाज़रीन आपने देखा कि शहर की एक इंतहाई मारूफ शाहराह पर किस तरह ये 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट की इस पट्टी के अंदर अंदर ये मकरूह धंधे हो रहे हैं। अब करना क्या है, शायद पुलिस में तो इतना ना हौसला है ना उनमें इतना जिगर है कि वो इन कारोबार को बंद कर सकें, या फिर शायद उनकी नाक के नीचे ये मकरूह धंधे हो रहे हैं। अब हम सबको आगे बढ़ना है, यहाँ के रहने वालों को, उन वालदैन को जो यहाँ पे जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हें नज़र रखनी होगी, क्योंकि शायद ये पुलिस के बस की बात नहीं है। आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।